दोस्तों, मैं बुबा चौधरी संजय आ गया हूँ एफटेक यूट्यूब चैनल की तरफ से। आज मेरा जो लोकेशन है ये सागरिका ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स है और ये फरक्का में सबसे बड़ा मोबाइल का दुकान है। इसमें सिर्फ अगर मैं मोबाइल का दुकान कहूँ तो मुझे ये गलत बात हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ मोबाइल का दुकान का नहीं है। इसमें आप होम अप्लायंस और मोबाइल एक्सेसरीज सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फ्रिज, टीवी, एसी, मोबाइल एंड एक्सेसरीज सब कुछ। ये वेस्ट बंगाल है और वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा त्यौहार है दुर्गा पूजा। एक हफ्ते बाद ही दुर्गा पूजा का वो जो फेस्टिवल है वो शुरू हो जाएगा। ऐसे तो फेस्टिवल बंगाली के लिए शुरू हो ही गया है। मार्केट में अभी बहुत भीड़ रहता है। नया नया जो लोग अपना कपड़ा या फिर गारमेंट्स खरीदना चाहते हैं वो लोग के लिए तो बाज़ार में बहुत भीड़ रहता है मार्केट में। लेकिन मोबाइल भी इस मार्केट में पीछे नहीं है। मोबाइल जो हर पूजा में कोई ना कोई अपना मोबाइल चेंज करता है, कुछ नया फीचर्स वाला मोबाइल खरीदने को सब कोई बेताब रहता है। तो ऑडियो सागरिका ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ ऑफर्स चल रहा है, तो हम जानेंगे इस ऑफर के बारे में। सर जी ने मेरे सर जी से थोड़ी देर पहले बात हुआ, उसने बोला कि ऑनलाइन में जो फेस्टिवल हो रहा है वो जो ऑनलाइन का जो ऑफ़र जो चल रहा है उधर, वो सारा ऑफ़र इस दुकान से अगर आप कुछ भी मोबाइल खरीदेंगे तो उसके ऊपर भी इसका ऑफ़र आ जाएगा। या फिर इस दुकान का जो मालिक है गोपाल दा, वो मेरा बहुत खास है, बहुत बचपन से मैं उसको पहचानता हूँ। उनसे भी बातचीत हुआ मेरा। तो इसमें जो पूजा में जो ऑफ़र चल रहा है वो आप डिपेंड करता है आइटम के ऊपर, कौन सा आइटम आप ले रहे हैं उसके ऊपर। किसी किसी आइटम में आपको 1000 रुपया कैशलेस मिल जाएगा, 500 रुपया कैशलेस मिल जाएगा, या फिर स्क्रैच जो फैसिलिटीज़ है ऑप्शन है उस स्क्रैच से आपको कॉन्फर्म गिफ्ट भी मिल जाएगा। तो मैं बोलना चाहूँगा जो लोग दिमाग में लेके बैठे हो कि नया मोबाइल लेना है, वो लोग को मैं बोलूँगा कि किसी और जगह जाना नहीं है, सागरिका ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप आओ। आप देखो यहाँ पर बहुत कंपनी का आपको मोबाइल मिल जाएगा, आपको वीवो, ओप्पो, सैमसंग, MI सब कोई मिल जाएगा। आप मोबाइल ख़रीदो। और रियलमी अभी मार्केट में बहुत धूम मचा रहा है, वीवो रियलमी, तो आप लोग आओ और मोबाइल को ख़रीदो और कॉन्फर्म गिफ्ट लेके जाओ। और सागरिका ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये दुकान फरक्का बैरेज में इतने साल से बिजनेस कर रहा है। इसका जो मेन पॉइंट है, मेन फोकस है, वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मतलब किसी भी कस्टमर अगर यहाँ से कुछ ख़रीदते हैं तो उन लोगों के साथ मतलब इस दुकान का एक रिलेशनशिप बन जाता है। मतलब दूसरे बार वो अगर कोई कुछ ख़रीदना चाहेगा तो वो पहले दिमाग में लाएगा कि पहले सागरिका में देख लेते हैं अवेलेबल है कि नहीं। ये बहुत बढ़िया लगा। और इस यहाँ से जितना सारा कस्टमर जो लोग ख़रीदते हैं उन लोगों से थोड़ा बहुत मेरा जान पहचान भी है, बातचीत भी होता है, मैं अनबॉक्सिंग या मीट करता रहता हूँ। तो यहाँ का जो फीडबैक है मतलब वो बहुत ही अच्छा फीडबैक मुझे मिला है। लोग यहाँ के जो एम्प्लॉय है, यहाँ का जो मालिक है, यहाँ का जो दुकान का इन्वायरमेंट है, उसके साथ पूरा जुड़ जाते हैं दिल से और दिमाग से। मतलब कोई बाहर में जाना नहीं चाहेगा अगर कोई यहाँ से कुछ खरीद लेगा तो। और एक फैसिलिटीज़ यहाँ पर जो दिया जाएगा वो मैं सर जी से मेरा बात हुआ था पहले इस बारे में। तो मान लीजिए अभी कोविड का एक पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, तो इसमें अगर आपका मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, अगर आपके वहाँ सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं है तो आपको सर्विस सेंटर में जाने का ज़रूरत भी नहीं है। आप अपना बिल लेके सागरिका ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में आओ, अपना बिल समेत उसको सबमिट कर दो। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपका जो मोबाइल है वो पूरा रिपेयर होके सर्विस सेंटर से आ जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया मुझे फैसिलिटी लगा सागरिका ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्योंकि किसी भी दूसरे दुकान में अगर मैं जाता हूँ तो कुछ भी ख़रीदता हूँ तो वो लोग सर्विस सेंटर सर्विस वाला जो झमेला है वो नहीं लेना चाहता है, क्योंकि आप थोड़ी फ़ोन ख़रीद लिया, आप फ़ोन ख़राब हो गया मतलब हेडेक आपका, आप सर्विस सेंटर में जाओ, आप ठीक कराओ। लेकिन यहाँ पर उस कस्टमर का जो फीलिंग्स है, उसका जो प्रॉब्लम है, उसको बहुत केयर में लिया जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दूँ, ये वीवो, ओप्पो और सैमसंग के लिए, इस तीनों का कंपनी का अगर फ़ोन आपके पास है तो ये वाला सर्विस सेंटर वाला फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये फैसिलिटी भी बहुत बढ़िया फैसिलिटी मुझे लगा है। चलिए मुलाकात कर लेते हैं शरद जी से। शरद जी यहाँ का वीवो की तरफ से वीवी है। नमस्ते शरद जी। हाँ नमस्ते बुआ दा।
तो V20 के बारे में जानेंगे हम बाद में, क्योंकि वो इस वीडियो का टर्निंग पॉइंट है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं इस जो सागरिका ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स के उसके बारे में। तो जो सागरिका ये ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो मेनली है फड़क बैरेज में। तो इसका मुझे जो लगा, मैंने पहले भी बोला कि इसका जो सर्विस है वो सर्विस के ऊपर यहाँ पर जो यहाँ का जो एम्प्लॉयज़ है, मालिक है गोपाल दा, वो लोग कस्टमर का जो सर्विस है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। मतलब कस्टमर हैरज मत ज़्यादा ना हो सके, तो इसके बारे में आप थोड़ा कुछ बता दीजिए। सर्विस के बारे में मैं बताना चाहूँगा, तो पहले मैं बताना चाहूँगा मेरा इतना ज़्यादा हिंदी अच्छा नहीं है। मेरा भी नहीं है। तो इसलिए मैं सब लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा हिंदी नहीं है। मैं बुबाजा को बोल रहा हूँ कि मैं बांग्ला में बोल रहा, तो नहीं बोल रहा है, नहीं ये तो मेरे यूट्यूब में दूंगा। तो आप कोशिश कीजिए जितना भी हो सके कि आप हिंदी बोल सकते हैं, तो ठीक है चलिए मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा। तो मैं अभी आऊँगा सर्विस पार्ट में। तो जो सर्विस है, तो वीवो का सर्विस है, मैं एक एक सर्विस बता रहा हूँ, एक मॉडल का एक सर्विस बता रहा हूँ। तो वीवो का तरफ से क्या है, वीवो का जो अगर कोई कस्टमर परचेस लेके जाता है तो कस्टमर को उस टाइम में बोला जाता है कि अगर फ़ोन का कुछ प्रॉब्लम होता है तो बाहर में आप मत खुलाइए, जो जो सर्विस सेंटर में है उधर ही खुलाइए, बाहर में मत खुलाइए, क्योंकि जो आपका वारंटी है तो वारंटी अगर बाहर में खुलाएंगे तो किसी भी मॉडल का वीवो का, हर कंपनी का, कोई भी कंपनी का, अगर आप अदरवाइज सर्विस सेंटर छोड़ के किसी भी तरह पे खोलना चाहोगे तो उसका वारंटी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हम कस्टमर का क्या बोलते हैं कि आप बाहर में मत खुलाइए, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप हमारा आउटलेट में चलाइए, सागरिका में चलाइए, आपका बिल का जरूरत लेके आपको इधर से सर्विस मिल जाएगा। अगर छोटा कुछ प्रॉब्लम है तो आपका 1 वीक में हो जाएगा। अगर कुछ ज़्यादा अगर ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम हुआ, अगर सर्विस सेंटर में वही पार्ट नहीं अवेलेबल नहीं है तो कुछ टाइम देना पड़ेगा कस्टमर को। ये बहुत ही अच्छा फीचर्स लगा मुझे, मैंने इस बारे में आपको बताया पहले भी। सेम प्रोसेस आपका ओप्पो में भी है, ठीक है, सैमसंग में है कि आप इधर से फ़ोन लेके सर्विस सेंटर का अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप इधर दे सकते हो, अदरवाइज़ आपको खुद जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर कुछ रिक्वेस्ट होगा तो आपको वो देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे आउटलेट में इसी 3 कंपनी का अवेलेबल है सर्विस, इधर से होता है। अच्छा, मैं सुना हूँ कि यहाँ से जो कोई बंदा अगर कोई कुछ आइटम परचेस करके जाता है तो उसके साथ सागरिका ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक रिलेशनशिप बन जाता है, ये कितना सही है? ना, आपने बात सही बोला, क्योंकि इधर का हम लोगों का जो कंपनी का हर तरह है, EMI की प्रोमोटर है जो हम लोग, और वीवो का तो मैं हूँ और ओप्पो का भी है, ठीक है। अगर हम लोगों का एक रिलेशन इसलिए बन जाती है कि कस्टमर हमारा इधर से फ़ोन लेके गया और वो मैंने फ़ोन बेच दिया, उसके साथ रिलेशन ख़त्म हो गया, इस टाइप का हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि कस्टमर को हमारा एक कॉन्टैक्ट रहता है, कस्टमर का जो हम लोग एक हम लोगों का नोटबुक है, कस्टमर का सीरियस वाइज मैं नंबर लिख लेता हूँ। मान लीजिए हम कस्टमर को फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि वो जो फ़िलहाल हमारा दुकान से जो फ़ोन लेके गया वो कैसा चल रहा है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर के कुछ फ़ोन में कुछ नया अपडेट आ रहा है तो हम लोग कस्टमर के फ़ोन करके पूछ लेते कि सर आपका एक जो कि नया फ़ोन ले गए थे सागरिका से, मैं सागरिका से बोल रहा हूँ, तो आपका फ़ोन में नया अपडेट आ रहा है तो ये आप अपडेट कर लीजिएगा। तो अगर आप खुद भी कर सकते हो तो मान लीजिए आपका नेट ख़त्म हो गया, नेट का कुछ इशू है, तो आप हमारा दुकान से आइए, हम लोग आपको अपडेट कर देंगे। इसमें क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फाई होता है हम लोगों का, ठीक है, इसलिए हम लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा होता है। अगर कुछ नया मॉडल आता है हमारा दुकान में तो उस कस्टमर को फ़ोन के बोल रहे हैं कि सर नया मॉडल हमारा दुकान पर आ रहा है, आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसका लेके आप सेटिस्फाई हो या नहीं हो, तो कस्टमर बोल रहे हैं हाँ सेटिस्फाई हूँ, तो कस्टमर सेटिस्फाई है तो हम भी सेटिस्फाई है, तो इस तरह हम लोगों का एक रिलेशन बन जाता है कस्टमर के साथ। ये बहुत ही अच्छा है। और एक फीचर हम लोगों का जो रिलेशन इसलिए बन जाता है, मान लीजिए हमारा दुकान पे कोई फ़ोन नहीं लिया, अदरवाइज किसी भी फ़ोन दुकान पे लिया है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग उसको भी जितना चाहे हम लोग हेल्प कर सकते हैं। मतलब ये बड़प्पन होता है, मतलब ये बिजनेस होता है, मतलब बिजनेस मतलब मेरा दुकान से कुछ लिया उसी को हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं है। इन लोगों का मोटिव है, जो कोई बंदा आएगा चाहे वो कस्टमर है या दूसरे का कस्टमर हो, लेकिन उसका अगर कुछ हेल्प हो सकता है सागरिका ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा तो वो ये लोग उसको भी हेल्प कर सकते हैं। ये बहुत ही बहुत ज़्यादा मतलब जो बड़े दिल वाले होते हैं उन लोगों का ये लिए ये बोला जाता है। तो फिलहाल जो ऑफ़र एक बात बताना चाह रहा हूँ, जो अभी ऑनलाइन में बिग बिलियन डे चल रहा है इसमें ऑफ़र दे रहा है जो, तो उसमें जो ऑफ़र दे रहा है हमारा स्टोर में सेम ऑफ़र चलेगा, अभी फिलहाल चल रहा है, कस्टमर ले भी रहा है,
आप देख सकते हो बैग में भी ले रहा है कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर है, तो सेम आपका कोई डिफरेंस नहीं है, सेम कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम है। मतलब गाइस ज़्यादा देर नहीं है, पूजा शुरू हो गया है, मतलब जल्दी से आओ और ग्रैब करो अपने ऑफर्स को। तो ये था सर जी से इस स्टोर के बारे में, कस्टमर के बारे में और वीवो V20 के बारे में जानकारी। और एक चीज़ में शायद मुझसे छूट रहा है, एक्सेसरीज के बारे में कुछ बातचीत कर लेते हैं। हाँ, फ़ोन के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग चार्जर केबल सब हम लोग ओरिजिनल रखते हैं। उधर कस्टमर जो मान लीजिए EMI का मिल जाएगा आपका चार्जर केबल विथ हेडफोन बर्ड्स, ये सब सब जितना एक्सेसरीज है हम दुकान पे मिल जाएगा आपका, विथ आपका ओरिजिनल, कोई डुप्लीकेट नहीं है। सेम अभी फिलहाल में रियलमी का भी मिल जाएगा, सेम मान लीजिए पावर बैंक लीजिए, हेडफोन लीजिए, बर्ड्स लीजिए, ठीक है, चार्जर डाटा केबल सब कुछ मिल जाएगा एवरीथिंग। और फिलहाल अभी वीवो का भी आ रहा है हेडफोन, वीवो का एक्सेसरीज तो सर्विस सेंटर पर लेना पड़ेगा, लेकिन वीवो का 3 हेडफोन आपका आ रहा है फिलहाल। और वीवो का एक नियो भी है जो आपको TWS नाम दिया गया है, वो एक है बर्ड से, और आपका एक वीवो का तरफ से जो नया अभी तक लॉन्च नहीं किया हुआ शायद वो फिलहाल आने वाला है, वो भी हेडफोन मिल जाएगा 399 में। मतलब एक्सेसरीज के बारे में भी सागरिक ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स को कोई टक्कर नहीं दे सकता। फ़ोन एक्सेसरीज के बारे में भी ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही एक अच्छे पोजीशन में है, किसी भी मतलब जो ब्रांड्स यहाँ पर अवेलेबल होता है उस अवेलेबल ब्रांड्स के ऊपर आप किसी भी एक्सेसरीज को आप चाहते हैं खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आइए, बेझिझक खरीद सकते हैं, आपको ज़्यादा स्टोर घूमना नहीं पड़ेगा, मतलब आपको हैरेसमेंट नहीं होना पड़ेगा। तो आज ये दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि इस दिन के लिए मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था। आज मेरा यहाँ पर एक अनबॉक्सिंग होगा और वो अनबॉक्सिंग वीवो V20 के ऊपर है, और ये वाला जो फ़ोन है एकदम ही मार्केट में नया है, आज ही लॉन्च किया गया है इसको, और कुछ लिमिटेड कस्टमर जिसने प्री बुकिंग किया था वो कस्टमर को ही सिर्फ ये फ़ोन दिया जा रहा है अभी। और मार्केट में आप अगर आप ढूंढोगे तो ये फ़ोन तो अभी तक ये फ़ोन अवेलेबल नहीं है। तो मेरा सौभाग्य है ये कि मैं ये फ़ोन को अनबॉक्सिंग करने का मुझे मौका मिल रहा है। मेरे साथ सागरिक ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से और वीवो की तरफ से जो दोस्तों मैं आ गया हूँ वो इसी घड़ी में जहाँ पर वीवो V20 का अनबॉक्सिंग किया जाएगा और शरद जी जो अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका जो कस्टमर है उसको उससे भी थोड़ा बातचीत कर लेंगे और उसको स्वागत किया जाएगा फूलों से। चलिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए विकी भैया वीवो V20 का फर्स्ट कस्टमर, मतलब ये फ़ोन उसने प्री ऑर्डर किया था इसीलिए उसको मिला है ये, वरना ये अभी तक अवेलेबल नहीं है किसी भी स्टोर में। तो बहुत ही अच्छा वक्त है ये। जो प्रोमोटर है वो शरद बसाक जी है, वो अभी वीडियो का कंटिन्यू करेंगे उसके तरफ, वही इसको इस फ़ोन के जो फीचर्स है अनबॉक्सिंग है सब वही करेंगे और इसको पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे कि कौन सा जो यूज़र्स है जिसको लेना चाहिए ये फ़ोन, क्यों लेना चाहिए, ये सब वही आपको समझाएंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं शरद जी से। फाइनली आ चुका हूँ, हमारा स्टोर पे अभी अवेलेबल आ गया है V20। शायद आपको शाम के टाइम पे बोला था अनबॉक्सिंग के लिए, तो टाइम हो गया, कोई देरी नहीं है, तो स्टार्ट करता हूँ। जिसका नाम है V20, देखिए एक कलर है जिसको नाम मिलने है कलर है ये। तो अभी गनमैन पे लेके चलाए हूँ, आप देख सकते हो इसका कैमरा, ये आपका जो है बैक कैमरा है और इसका आपका फ्रंट कैमरा है, देख सकते हो आप बुबैदा को भी आप देख सकते हो।
जी अच्छा, तो फिलहाल मैं आ रहा हूँ इसका फीचर्स के, जिसका लेटेस्ट फीचर्स है इसका, इसका एक कलर जो है, कलर आपका यूनिक कलर मिल जाएगा, आप देख सकते हो इसका कलर को। और इसका जो कैमरा, मैं पहले बोल दिया, इसका 44 MP का जो आपका कैमरा है फ्रंट में, फिलहाल इस रेंज में अदर्स ब्रांड में आपको नहीं मिलेगा ये फीचर्स। देखें आपको इसमें फीचर्स के, आपको जो मैं बता दिया, आप इसमें फ्रंट में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो मैं बोला आपका आई ऑटो फोकस का मतलब है, आपका मान लीजिए आप किसमें फ़ोटो कैप्चर कर रहे हो तो कैमरा ऑटोमेटिक आपको उसका आई को फोटो कैप्चर करने के लिए उसका फोकस करेगा, मिले उसका आई को कस्टमर को। इसमें क्या होगा, कस्टमर का फीचर जो है नीट एंड क्लीन आएगा और बहुत बढ़िया एक फोटो कैप्चर हो जाएगा। अब मैं आ रहा हूँ आपका बैक कैमरा के लिए। बैक कैमरा आपका जो है 64 MP है मेन कैमरा, जो सेकेंडरी कैमरा है उसका 8 MP है और 2 MP है। तो बैक में आपका 3 कैमरा सेट दिया हुआ है, तो इसका कैमरा का बेनिफिट क्या है मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। जो आपका 64 MP है कैमरा का, उसमें आपका मिल जाएगा मेन कैमरा, जो आपका नाइट कैमरा बोला जाता है, नाइट में आपका बेहतरीन एक फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो आप V20 में। जो आपका 8 MP है, इसको आप मल्टी फंक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर इसमें आप तीनों, एक कैमरा में तीनों काम कर सकते हो, एक है सुपर नाइट सेल्फी, एक है बोके मोड और एक है मैक्रो मोड। और जो दो नंबर, जो तीसरा कैमरा है जो 2 MP, उसको आप मोनो ले सकते हो, ब्लैक एंड वाइट कैप्चर कर सकते हो, जो अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी मैं आ रहा हूँ इसका फ़ोन का लुक्स में। इसका जो थिकनेस है 7.38 mm का इसका स्लिम है, और इसका जो आपका एक्सपायर रेशियो है, इसमें जो एक्सपायर रेशियो है इसका 20:9 है अल्ट्रा वाइड। अब इसका आगे आपका डिस्प्ले में इसका जो है सुपर एमोलेड एमोलेड डिस्प्ले है 6.44 inch का। और इसका जो बैटरी है, इसका 4000 mAh का बैटरी है, और आपका जो इसका चार्जिंग है आपका 33 वाट का फर्स्ट चार्ज है। तो मैं कस्टमर के एक फिलहाल एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि बोके मोड एंड शॉर्ट रिफोकस क्या है। कस्टमर को तो एक कस्टमर बहुत सारे परेशान में है कि हम तो बोके मोड समझ गया, लेकिन शॉर्ट रिफोकस क्या है, ये नया टर्म से एकदम। हाँ, तो कस्टमर के मैं बताना चाह रहा हूँ शॉर्ट रिफोकस क्या है। कस्टमर अगर कोई कैमरा DSLR मोड के अगर फोटो खींच लिया, तो उसके बाद भी कस्टमर जो आपका DSLR का जो एडजस्ट है ब्लर मोड को, आप एडजस्ट कर सकते हो शॉर्ट रिफोकस में जाके। मतलब ये बहुत ही अच्छा वाला फीचर्स दिया गया है। मान लीजिए आप किसी बीच में घूमने गया था, लेकिन उसको जो ब्लर है, ब्लर ज़्यादा हो गया, घर में आके बोला था अगर ज़्यादा ब्लर कम होता तो बहुत अच्छा लगता, तो कस्टमर के एक बहुत बेनिफिट मिलेगा इसमें। कस्टमर घर में जाके भी जो ब्लर मोड है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, बाद में भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है, बहुत बढ़िया फीचर्स है, एक बहुत बढ़िया फील है इसमें। और एक बहुत ज़्यादा है जिसको बोलते हैं डायनेमिक इफेक्ट क्या है। डायनेमिक इफेक्ट में आपका जो कोई भी नोटिफिकेशन है, फ़ोन साइलेंट में अगर घर में कुछ कहीं पे रख दिया हो, तो अगर कॉल आता है तो साइलेंट तो नहीं रहता है, तो इसमें क्या होगा, अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा मेरा फ़ोन पे तो ऑटोमेटिकली एक शाइनिंग लाइट देगा साइड में। अच्छा, मतलब वो बाहर से वो लाइट का वो हाँ एक रिप्लेस करेगा। अगर कॉल भी आएगा तो रिफ्लेक्ट ज़्यादा घूमेगा फ़ोन के डिस्प्ले के साइड में, अगर कोई एसमेट आएगा तो रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा, एक भी एक बहुत है, मतलब अगर साइलेंट मोड में है तो उसको विजुअली पता चल जाएगा कि कोई फोन में मेरा नोटिफिकेशन आया है, कोई आया है, कुछ आया है। ये बहुत बढ़िया फीचर्स लगा मुझे। हाँ, तो मेन जो बात मुझे अभी तक इस कैमरे के बारे में जो पता चला वो है, इसका जो कैमरा है वो बहुत ही बढ़िया से उसको बनाया गया है। जो लोग फोटोग्राफी में या वीडियोग्राफी में जो लोग इंटरेस्टेड है, वो लोग अगर ये फ़ोन को खरीद ले तो वो बहुत फ़ायदे में रहेगा। इसका जो बुका इफेक्ट है, उसमें जो शॉर्ट रे इफेक्ट दिया गया है, वो उसके बारे में मुझे आज ही पता चला, वो था कि अगर मान लीजिए आप एक फोटो खींच लिए हैं और उसके बाद उसको जो इफेक्ट है उसको आप कंट्रोल करना चाहते हो, मतलब बाद में जाके उसको आप कंट्रोल कर सकते हो कि ये बुका इफेक्ट मुझे कितना ज़्यादा चाहिए कि कम चाहिए, मतलब डेप्थ ऑफ जो फील्ड होता है वो डेप्थ ऑफ फील्ड को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कैमरा लेंस में होता है। तो ये बहुत बढ़िया फीचर्स है। अभी चलिए इसका प्रोसेसर के बारे में जान लेते हैं। इसमें प्रोसेसर भी बहुत अच्छा है, इसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है 720G, जो अभी सबसे बहुत अच्छा गेमिंग के लिए
बहुत अच्छा प्रोसेसर चल रहा है। इसमें और एक फीचर्स है, मान लीजिए किसी को गेम खेलना है, अगर अभी तो हर किसी ने गेम खेल रहा है तो उसे गेम के लिए एक में अल्ट्रा गेम मोड दिया हुआ है। अल्ट्रा गेम मोड क्या होता है कस्टमर को, अगर कस्टमर अल्ट्रा गेम मोड में जाता है, अल्ट्रा गेम मोड में उसका ऑप्शन देगा, ठीक है। उसमें काउंटडाउन के लिए एक ऑप्शन है, कस्टमर मान लीजिए किसी का कॉल आ गया, कस्टमर गेम ओपन करके जो हम लोगों का जो 30 सेकंड का मैनुअल टाइम दे रहा है, उसके बाद में कोई गेम से निकल गया तो लास्ट टाइम में अगर कोई गेम को अगर फिर रिस्टार्ट करना चाहता है तो जहाँ पर रिस्टार्ट होगा वहीं से शुरू होगा। अच्छा, कोई लैग भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कस्टमर का एकदम फ्रेंडली जैसा जैसा चल रहा था उसी बेनिफिट मिल जाएगा। डिस्टर्बेंस नहीं होगा गेम में? नहीं 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 नहीं, कोई लैग भी नहीं होगा। अच्छा अच्छा। और एक बेनिफिट है कस्टमर को, अगर गेम खेलने के बाद किसी का कॉल आ गया, ठीक है, वो तो आता ही है, आता ही है। तो इस टाइम आपने अगर इसको गेम मोड अल्ट्रा मोड में जाके अगर कस्टमर ये तीनों चीज़ को नोटिफिकेशन कॉल ये सब अगर ऑफ कर दिया तो कस्टमर का डिस्प्ले में कोई कॉल नहीं आएगा, लेकिन अच्छा। रिंग होगा मतलब दूसरे, लेकिन हाँ, जो बंदा उसको कॉल करेगा उसको सुनाई देगा, सुनाएगा कि रिंग हो रहा है, लेकिन गेम में वो इन्वॉल्व रहेगा, नहीं डिस्टर्ब नहीं होगा, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, ये अच्छा, ठीक है। प्लस इसमें हाँ लिक्विड कॉपर एक जो है इसमें क्या होगा, आपका कॉपर कोइल है जिसमें गेम करने के बाद जो फ़ोन गर्म हो जाता है, इसमें उसका फ़ायदा होगा कि गेम इजीली आपको उसका गर्म नहीं होगा। अच्छा, मतलब हॉट नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, इसमें कूलिंग दिया हुआ है। अच्छा, मतलब कूलिंग टेक्नोलॉजी भी इसका बहुत बढ़िया से पॉलिश किया गया है। हाँ, तो गेमर्स के लिए भी ये जो फ़ोन है ये बहुत अच्छा वाला फ़ोन माना जाएगा, क्योंकि इसमें गेमर्स के लिए जो जो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो बहुत फ़ोन बहुत हॉट हो जाता है, मतलब वार्म हो जाता है जल्दी जल्दी, तो इसमें वो कूलिंग टेक्नोलॉजी इसका बहुत पॉलिश किया गया है। और दूसरा, गेम तो ऑनलाइन गेम होता है, मतलब आप उसको अगर आप उसका नेट जो है उसको आप बंद नहीं कर सकते, ऑनलाइन गेम खेल रहे हो तो बीच में अगर कॉल आ जाएगा तो वो आप मैनुअली बंद कर सकते हो कि आपको डिस्टर्ब ना हो। ये बहुत बढ़िया फीचर्स लगा मुझे। तो चलिए नेक्स्ट इसका स्टोरेज के बारे में कुछ बातचीत कर लेते हैं। हाँ, स्टोरेज क्या है? सबसे फिलहाल क्या होता है, इसका स्टोरेज है 1 TB तक आप लगा सकते हो, एक्सटर्नल कर सकते हो इस मोबाइल पे V20 में, आपका 1 TB तक आप लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब ऐसे तो हम लोगों को हाँ भाई 128 GB मैक्सिमम, 256 GB, लेकिन इसमें आप 1 TB लगा सकते हो। मतलब स्टोरेज के बारे में ये सबको पछाड़ देगा। आपके पास अगर 1 TB का कोई कार्ड है तो उसको बेझिझक उसको लगाइए, उसको यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे जो बढ़िया है इसका जो एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड 11 पे आ रहा है। ओ, मतलब एकदम लेटेस्ट वाला एंड्रॉइड जो अभी लेटेस्ट आ रहा है सबसे। हाँ, वो एंड्रॉइड इसमें 11 है। और एक जो फ़ोन का है फ्रंट टच OS जिसका OS है। हाँ, वो भी 11 पे आ रहा है। अच्छा, दोनों ही 11 है। अच्छा अच्छा, हाँ वीवो तो अपना जो अपना से OS देता है। हाँ हाँ, OS देता है, तो उसमें भी आपका 11 दे रहा है, मान लीजिए दोनों ही आपका 11 है, बहुत बढ़िया है, लेटेस्ट एंड्रॉइड है आपका। ये भी ये बहुत स्मूथ हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का मेरा सागरिका ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स का सफ़र। ये शुरुआती वीडियो है, आज वीवो V20 से शुरुआत किया हूँ। बहुत सारा मॉडल आगे आने वाला है और मुझे पता है, एकदम 100% मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर कोई अच्छा सा फ़ोन, नया फ़ोन इधर आएगा तो उसका मैं अच्छी तरह से रिव्यू और अच्छी तरह से उसका जो फीचर्स है उसको एक्सप्लेन कर सकूँगा शरद जी से, या फिर दूसरा जो प्रोमोटर है उस बंदे से। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मुलाकात होगा दूसरे एक वीडियो में, दूसरे एक मॉडल के साथ, दूसरे एक आइटम के साथ। थैंक यू जुड़े रहने के लिए। और एक बात में छूट चुका है मेरा, जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल वाले जो आइकॉन है उसमें जोर से दबा देना कि वहाँ से आवाज़ मेरे कान में बजे। और भी नया अनबॉक्सिंग देखने के लिए तो जरूर आप इसको जो लाल बटन है उसको जरूर प्रेस करना, और सब्सक्राइब तो जरूर करना, और अगर चाहो तो फ्रेंड सर्कल में लाइक एंड शेयर करना जरूर। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, बहुत अच्छा लगा ये वीडियो बना के मुझे। चलिए 1 मिलियन तक जाना चाहिए।